हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमी। आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पे इतना लाइक्स देने के लिए भी थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, हैंड पेंटेड डिज़ाइन। इसको मैंने रेयन सिल्क के ऊपर किया है। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसको स्टिच नहीं की, ये अनस्टिच है। ये मैंने रेयन सिल्क के ऊपर किया है क्योंकि कोई भी फेस्टिव में आप रेयन सिल्क या कोई भी सिल्क के कपड़े के ऊपर आप डिज़ाइन करोगे तो ज़्यादा गॉर्जियस लुक दे सकती है, कॉटन से ज़्यादा। और इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी टाइम की आपको ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है इसलिए, और उतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, जो कि आप देखेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, इस नेक डिज़ाइन को, नेक पीस को अगर आपको पसंद है तो आप इस सेम डिज़ाइन को बना सकते हैं, उस लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप चाहे तो देख सकते हैं। और इस टॉप के लिए, टॉप को भी, ये पूरा नहीं दिख रहा है, इसके नीचे भी है, आप देख सकते हैं ऐसे, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। मैंने बलून टॉप के ऊपर किया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ सारे पार्ल कलर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं आउटलाइन कर लिया है पेंसिल से, और कलर के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ऐसे कलर साइड पे करके ही हमें बहुत जल्दी ऐसे शेडिंग करना है, ऐसे ये आपको बहुत जल्दी से करना होगा, नहीं तो कलर ड्राई हो जाएगी और अब बाद में आप नहीं कर सकते हैं। अब अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेयन सिल्क के ऊपर कलर कर रही हूँ इसलिए मैं पार्ल कलर यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल एक्रेलिक कलर इसके ऊपर नहीं होगा, और ये कलर बहुत शाइनी भी है, तो आप कोई भी फेस्टिव में आप ये पहन सकते हैं, ये बहुत ही शाइनी है। एक एक फ्लावर में ऐसे चार पत्ती होंगे, आप देख सकते हैं मैंने कैसे जल्दी जल्दी शेडिंग कर रही हूँ। यहाँ मैं नीचे की फ्लावर छोड़ के उसके नीचे की फ्लावर को येलो कलर कर रही हूँ, क्योंकि हमें येलो के नीचे दूसरे कलर करना है। और एक साथ में दो येलो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा गैप देके यहाँ, जैसे आप देख रहे हैं, अब यहाँ मैं दूसरा कलर करूँगी। पर्ल कलर्स में बहुत सारे शेड्स हैं, इसके भी सेम होगा, ऐसे चार पत्ती होगी एक एक फ्लावर में। इसको मैं बहुत जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि सेम ही है इसलिए, नहीं तो आप लोग सब बोर हो जाओगे इसलिए। अब यहाँ भी ये कलर करूँगी। अब अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, जैसे आप सिल्वर भी कर सकते हैं और एक ब्लैक या गोल्डन ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपके कपड़े के ऊपर अच्छा लगे। मैं यहाँ फ्लैट ब्रश से कर रही हूँ, आप फ्लैट ब्रश से अगर यूज्ड टू नहीं है कोई बात नहीं, आप राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ मैंने लीव्स की पेंटिंग करना है हमें, एक्चुअली ये कलर बहुत पुरानी, मैंने लेने के टाइम ध्यान नहीं दिया, ये कलर थोड़ी डेट बहुत पुरानी है इसकी, इसलिए कलर बहुत ठीक हो गई है। मैं हमेशा बोलती हूँ कलर को हमेशा डेट देख के लीजिए, रिसेंट डेट देख के, नहीं तो ऐसे मेरी तरह ऐसे ड्राई कलर लेने पड़ेगी आपको। अब देख सकते हैं ऐसे ये कितनी ठीक है, और कलर करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से काम और अच्छे करने की इंस्पिरेशन होती है। और जो भी तुम्हारा बांगाली हो तो ताहले आमाके तुम्हारा बांग्लाते कमेंट करते पारो, किछु जानार थाकले बांग्लाते ही लिखते पारो। और अगर आपको
इस पेंटिंग के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप बोल सकते हैं। आप एक दो ऐसे लीव ज़्यादा भी कर सकते हैं जहाँ आपको ज़्यादा गैप लगे ऐसे। अब यहाँ ना छोटे छोटे फ्लावर होगा, यहाँ मैं सिल्वर कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ कोई शेड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सारे शेडिंग फ्लावर अच्छा नहीं लगेगा, ये मिक्स एंड मैच हो जाएगी फिर उसके साथ। यहाँ ब्लू कर रही हूँ, ये भी आप एक दो ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन देख के एग्जैक्टली तो करना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी एक दो ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब इस फ्लावर के साइड पे ऐसे हमें इस ब्लू कलर को देना है ऐसे, तो फिर ये फ्लावर और भी खूबसूरत लगेगी, इसलिए ऐसे सारे में हमें दे देना है। अब हमें आउटलाइन करना है, मैं यह ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक 3D कोन, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद देखना ये पेंटिंग और भी कितनी खूबसूरत लगेगी, इसके बाद इसकी लुक एकदम चेंज हो जाएगी। अब ये लिप्स के ऊपर करना है, ये कोन मेरा लिया है 25 आई थिंक, ऐसे 25 या 20 ऐसे कुछ। अब ये छोटे छोटे फ्लावर के ऊपर, सारे फ्लावर के ऊपर हमें आउटलाइन नहीं करना है, कुछ कुछ छोड़ना भी है छोटे छोटे फ्लावर को, फिर ये और खूबसूरत लगेगी। अगर आपको मेरी व्लॉग की चैनल देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। ऐसे छोटे छोटे एक दो ब्रांचेस भी कर लूँगी ऐसे। आप चाहे तो ब्लैक कलर अगर आपके पास है तो आप ब्लैक कलर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे कोन नहीं है तो, पर वो थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको एकदम ज़ीरो नंबर राउंड ब्रश यूज़ करना है और थोड़ा ध्यान रख के करना है। इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसमें उतना जल्दी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।